عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. अल्लाह ताला का बेहंदा फ़ज़ल व करम है कि उसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का फ़ख्र इनात फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ख्र रश्के अंबिया निकला। मजीद बड़ा करम हुआ कि अल्लाह ताला ने कुरान जैसी नेमत से वावास्ता फरमाया, औलिया अल्लाह के दामन से वावास्ता फरमाया और तजदीद ईमान के लिए हमें यहाँ जमा फरमाया। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की मदद से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के फैज़ान से, औलिया अल्लाह की विलायत के फैज़ान से इंशाअल्लाह आज हम जिक्र हया कामिलिल हया वल ईमान अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र करेंगे और सीरत को जानने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि 18 ज़ुलहज को आपका शहादत का दिन था तो इस वजह से जो है आज हम आपका जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप और आज जानने की कोशिश करेंगे कि आपको जो है आप कैसा ईमान लेके आए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जुज़े उलूहियत पर कैसा ईमान लेके आए और जुज़े रिसालत पर आपका ईमान कैसा हुआ और आपको फैज़ान कैसा हासिल हुआ इसका ये ईमान लाने के बाद। तो जो है जब हिजरत के 6 साल में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा फरमाया उम्रे का, तो आप 1500 सहाबा के साथ वहाँ से निकले मदीने से और मक्के की तरफ आए और हुदैबिया के मुकाम पर रुके। आपके साथ में जानवर भी है जो कुर्बानी देते हैं और 1500 सहाबा भी है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है और आप हुक्म देते हैं हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कि सफ़ीर बनाकर आप जाओ और काफिरीन और मुशरिकीन से बात करो कि हम लोग यहाँ पर ठहरे हुए हैं और उम्रे की नीयत है हमारी और उम्रे करने की उम्रे अहराम की हालत में है और उम्रे की नीयत है। तो आपको जैसा हुक्म मिला हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है गए जाकर खाने काबा के पास में सबको जमा किए काफ़ी कुफ्फार को और मुशरिकीन को और जमा करके इरशाद फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं, 1500 सहाबा है, अहराम की हालत में हैं और उम्रा करना चाहते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि वो एग्री नहीं होते इस बात पर कि नहीं नहीं उम्रा नहीं कर सकते और फेक न्यूज़ भेजते हैं कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो चुके हैं। फेक न्यूज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भेजते हैं कि आप जो है शहीद हो गए। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये पता चला तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी सहाबा को इरशाद फरमाते हैं कि अब सब लोग बैत करेंगे और ये बैत को अल्लाह ताला ने कुरान में भी कोट किया है, ये बैत रिजवान है और ये बैत अब हम क्या करेंगे उस्मान का खसास लेंगे। तो लिहाजा सब लोग बैत करेंगे और इसको अल्लाह ताला ने कुरान में भी इसको कोट किया है सूरह फतह में आयत नंबर 10 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ पैगंबर जो लोग तुमसे बैत कर रहे हैं वो दर हकीकत अल्लाह से बैत कर रहे हैं, अल्लाह का हाथ उनके हाथों पर। यानी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं नबी के ऐ हबीब जो सहाबा आपके हाथ पे बैत कर रहे हैं वो दर हकीकत आपका हाथ नहीं, वो ऐ हबीब वो मेरा हाथ है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अल्लाह और उसकी रसूल की इताअत में है और ये हाथ मेरा नहीं, ये हाथ उस्मान का है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बैत की और सारे सहाबा इकराम ने भी बैत की। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब हिजरत हुई तो हिजरत जब हुई हिजरत होने के बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जब हिजरत होने के बाद जब मदीने शरीफ में जब हिजरत हुई जब आपको कई लखब से नवाजे इसको हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला आपको ज़ुन्नूरैन भी कहा जाता है। क्यों ज़ुन्नूरैन, क्यों दो नूर वाले कैसे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो बेटियां आपके निकाह में हैं। जब
पहली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दूसरे नंबर के जो बेटे थे उम्मुल मोमिनीन हज़रत रुखैया रज़ी अल्लाह ताला, जब आपके निकाह में आया, आने के बाद हज़रत सैदना रुखैया रज़ी अल्लाह ताला जब आपके निकाह में आए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में एक सालन बनाए। सालन बनाकर आप जो है हज़रत उसामा बिन जैद रज़ी अल्लाह ताला को बुलाया, आपने बुलाकर कहा कि ये सालन है और आप जो है सैदना रुखैया रज़ी अल्लाह ताला के घर पर लेके जाना। तो आप जो है लेके गए, लेके जाकर अब बच्चे हैं, 7-8 साल के बच्चे हैं, आप जो है सीधा घर में चले गए और सालन को पेश किया, कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भेजा। तब फिर जब वापस आए, कौन? हज़रत उसामा बिन जैद रज़ी अल्लाह ताला। तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल करते हैं कि ऐ उसामा, क्या तुमने देखा हज़रत उस्मान को और रुखैया को रज़ी अल्लाह ताला? तो आप फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ मैंने देखा। कैसे लग रहे थे वो साथ में? तो आप फरमाते हैं कि साथ में कैसे लग रहे थे? अच्छे लग रहे थे। और फिर आप सवाल करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अय उसामा, क्या तुमने पूरे कायनात में क्या ऐसा कहीं जोड़ा देखा है, इतना खूबसूरत जोड़ा कहीं देखा है? तो आप फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सारी कायनात में ऐसा खूबसूरत जोड़ा कहीं नहीं देखा। सुभान अल्लाह। फिर जब जंगे बदर का वक्त आया, जंगे बदर में जब सारे सहाबा जा रहे थे, तो आप जो है सैयदना रुखैया रज़ी अल्लाह ताला की तबीयत नासाज थी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि ऐ उस्मान, तुम जो है आपकी तीमारदारी में रहे। हालांकि आपको जाने का था, ग़ज़वाए बदर है वो, आपको शामिल होने का था, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ उस्मान, तुम मतलब अब बानफसा नफीस वहाँ वो ग़ज़वे में नहीं हो, मगर तुम अहले बदर में शामिल रहोगे। है घर में, आप अपनी वाइफ की तीमारदारी में है, मगर आप अहले बदर में शामिल रहेंगे। तो जब मुसलमानों को फतह नुसरत हासिल हुई, जब मुसलमान वापस आ रहे थे, तब आप जो है सैयदना रुखैया रज़ी अल्लाह ताला की तदफीन हो रही थी। फिर जब आपका इंतकाल हो गया, फिर उसके बाद क्या हुआ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है थोड़े दिन के बाद आप अपनी तो तीसरे जो बेटी है सैयदना उम्मे कुलसुम रज़ी अल्लाह ताला, आपका भी निकाह जो है आप नबी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला के साथ किया। तो जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला जो है इरशाद फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे अगर 40 बेटियां भी होते, तब भी मैं 40 के 40 बेटियां हज़रत उस्मान के निकाह में देता, क्योंकि जब आपकी हज़रत सैयदना उम्मे कुलसुम रज़ी अल्लाह ताला का भी इंतकाल हो चुका था, उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि जो है मेरे अगर 40 बेटियां भी होते, तो मैं 40 के 40 बेटियां जो है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला के निकाह में देता। सुभान अल्लाह। और आपका जो है आपके एक लखब जो है, कई लखब जो है आपको मिले, कई लखब अल्लाह ताला ने दिए, कई लखब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए। फिर जो है आपका एक दूसरा लखब भी है कामिलिल हया वल ईमान, यानी आप कामिल हया वाले थे। आप कहीं से भी गुजरते तो अपनी निगाहें नीचे ही रख के गुजरते, आप कहीं किसी को मतलब बदनजरी तो बहुत दूर की बात है। तो आप जो है कामिलिल हया वल ईमान है। कैसा एक मर्तबा जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काशाने अक़दस में आराम फरमाते, फिर जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने तशरीफ़ लेके आए, नॉक किया, तो कौन है? तो मैं अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। तो ठीक है, अंदर आइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए, लेटे हुए हैं, आराम फरमा रहे, और आपका जो जुबा मुबारक है थोड़ा टखनों के थोड़ा सा ऊपर था। फिर आप आए, बैठे, बातचीत किए, फिर थोड़ी देर के बाद फिर नॉक हुआ, तो कौन? मैं हज़रत उमर। तो आप अंदर आइए। फिर आप भी अंदर आए और फिर बातचीत हुई, और ये सब चीज़ें जो है
उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला देख रहे हैं पर्दे में से। और फिर तीसरे बार नॉक हुआ, कौन? मैं उस्मान। फिर जैसा आप मालूम हुआ कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला आए हुए हैं, तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ गए। उठकर जो अपना जो झुबा मुबारक जो टखनों के ऊपर था उसको सही किया, सही करके फिर बुलाया कि हाँ उस्मान अंदर आइए आप। तो फिर जब आप लोग चले गए, बातचीत हो गई, फिर आप लोग जब चले गए तो उम्मुल मोमिनीन सवाल करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने जब आप लेटे हुए थे, जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला जब भी आप लेटे हुए थे, जब हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला ने जब आप उठकर अपना ये जो जुबा मुबारक है वो सही किए, तो आप फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ऐ आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने, मैं क्यों ना उस्मान से हया ना करूँ? सारे फरिश्ते और सारे मलाइका जो है उस्मान से हया करते हैं, तो इसलिए मैं भी हया करूँ। सुभान अल्लाह। फिर जो है आप इतने पैसे वाले थे, आप कभी अपने घर में काम नहीं किए, अल्लाह ताला ने आपको बहुत माल दौलत से नवाजा। अब के तौर पर जैसा हम लोग समझने के लिए मैं अपनी तौर से बता रहा हूँ, जैसा माजिद अल फुतम जैसा है उससे भी ज़्यादा मालदार थे, सुभान अल्लाह ताला ने उनको उससे भी ज़्यादा माल दौलत से नवाजा। तो जो है आप कभी अपने घर में काम नहीं किए, तो तिजारत थी आपकी, बिजनेस था, तो आप बिजनेस के सिलसिले में मदीना मुनव्वरा के बाहर गए, एक चार दिन के लिए, ज़्यादा चार दिन के लिए बाहर गए कुछ काम से। जब आप वापस आए चार दिन के बाद, तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को देखा तो कुछ कमज़ोरी महसूस हुई चेहरे मुबारक से, तो आप गए हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला के पास की पूछा, सवाल किया कि क्या हुआ बिलाल रज़ियल्लाहु ताला, ये जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चार दिन के लिए बाहर था तो चेहरे मुबारक से जो है कमज़ोरी महसूस हो रही है, क्या हुआ? तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला इशारा फरमाते हैं कि मैं ये बता नहीं सकता, आप जो है उम्मुल मोमिनीन से जाकर पूछ लीजिए। फिर आप फौरी गए, खटका मारा तो आवाज़ आई कि कौन? तो गुलाम हाजिर है। गुलाम, ए मीजान, मैं गुलाम। तो मैं उस्मान, चार दिन बाहर था, मैं आया तो देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक में जो है कमज़ोरी नज़र आ रही है, क्या हुआ? तो आप फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चार दिन से खाना नहीं खाया। कौन है? हमारे आखा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने सारे दोनों आलम के आखा बनाकर भेजा आपको, सारे कायनात के ख़जाने आपके पास है और आप जो है चार दिन से भूखे हैं। जैसा आप ये सुने फौरी अपने घर पहुँचे, जितना भी सामान था खाने का उसका पूरा उठाकर, खुद से कभी अपनी ज़िंदगी में कुछ काम नहीं किए, इतने नौकर थे आपके पास, इतने ग़ुलाम थे आपके पास, कभी कुछ काम नहीं किए। फिर ग़ुलाम आए, क्या हम आपकी मदद करें? तो कहा कि नहीं नहीं, मैं खुद जाऊँ। तो पूरा सामान उठाकर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पहुँचे। घर पहुँच कर आप इरशाद फरमाए कि अय जो है अम्मा जान, आप जो है पर्दे में चले जाइए। जैसा पर्दे में गए जो है आप पूरे घर को झाड़ू मारे, पूरे घर को पहले झाड़ू मार के पूरा साफ करें, फिर अपने हाथों से खाना बनाया, हाथों से खाना पकाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर तशरीफ़ ले आइए। तो आपको सवाल किया, क्या हुआ उस्मान? नहीं, आप घर तशरीफ़ ले आइए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है घर तशरीफ़ लेके आए। आने के बाद फिर आप बैठे, फिर जब आपको खाना जब खा रहे थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तब आप रोने लगे आपको देखकर। फिर आप खाना खा लिए, फिर आप खाना खाने के बाद कुछ अशरफी जो है आपको तोहफे में देकर आप चले गए वहाँ से। फिर उसके बाद उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी दुआ की कि वो सुनकर मुझे रश्क हुआ। ऐसी दुआ की, क्या दुआ की? ऐ अल्लाह ताला, मैं उस्मान से राज़ी हूँ, तू भी उस्मान से राज़ी हो जा। सुभान अल्लाह। आमीन। क्या फरमाया कि ऐ अल्लाह ताला, मैं उस्मान से राज़ी हूँ, तू भी उस्मान से राज़ी हो जा। हालांकि दामाद है रिश्ते में, दामाद है, मतलब अब आजकल के हमारे हालत देखें आप कि हम कैसे दामाद हैं। हम अगर हमारे को कोई बच्ची दे देते, वो ऐसा हो जाता, हम ऐसे हालत पैदा कर देते कि हमारे ख़ानदान में किसी को बच्ची के नहीं देते उन लगा। फिर ऐसे तो हमारे हालत है, अल्लाह ताला इसे हमारी हिफाजत फरमाए। आज सीरत देख के हम अपनी भी जो है अपने आप को भी जो है देख लेना चाहिए इंशाअल्लाह ताला।
फिर आप जो है कैसा आपने दीन के लिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और अल्लाह ताला के लिए काफ़ी माल खर्चा किया। आपका नाम जो है गनी भी है आपका नाम। फिर एक बार क्या हुआ, एक वाक़या ऐसा है कि आप जो है मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी सहाबा इकराम के साथ, तो आप अर्ज़ कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब फितने का दौर आएगा तो ये शख्स हक पर होगा। तो जब आप नबी का आप जो है पूरे सहाबा इकराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फेस करते हैं कि फेस करके बैठे हुए रहते हैं, तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु वहाँ से आते हैं, तो जब सारे पलट के देखते हैं तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला होते हैं। फिर आगे थोड़े आगे इरशाद फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ऐ उस्मान, अल्लाह ताला तुम्हें खमीस पहनाएगा और लोग उसे उतारने की कोशिश करेंगे, तुम उसे उतारना नहीं जब तक तुम मुझसे आके मुलाकात नहीं करते। यानी वो खिलाफत का इशारा था। अब इरशाद फरमाते हैं कि ऐ उस्मान, अल्लाह ताला यानी समझने के लिए तुम्हें खिलाफत अता करेगा और लोग वो खिलाफत को छीनने की कोशिश करेंगे, तुम वो खोने नहीं देना कब तक, जब तक मुझे आके मुलाकात ना कर लो। सुभान अल्लाह, देखें आप। फिर एक बार क्या हुआ, जब पूरे मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमाते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मस्जिद नबवी के बाहर जो जगह है, आज जो हम जन्नतुल बकी के नाम से जो जानते हैं, वो जगह पहले खुला मैदान था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ख्वाहिश जाहिर करते हैं कि काश ये मैदान हमारे मुसलमानों के अंडर होता, ताकि जो लोग नमाजों के लिए आए तो अपनी सवारियों को वहाँ पर पार्किंग की तरह इस्तेमाल कर सके। तो जैसा आप ये सुने, और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी वहाँ पर मौजूद थे, जैसा आप सुने उठ गए, उठ के जाने लगे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल करते हैं कि उस्मान कहाँ जा रहे हैं? तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो ज़मीन देख कर आता हूँ। तो आप जो है इजाज़त ले कर गए, जाके फिर वापस आए, वापस आके फिर आप इरशाद फरमाते हैं कि या रसूलुल्लाह, ए उस्मान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ए उस्मान, ज़मीन देख के आ गए? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़मीन खरीद कर आया हूँ, ज़मीन खरीद कर आया, जो आज जो हम जो जन्नतुल बकी देखते हैं, जहाँ पर अहले बैत है, जहाँ पर जो है सहाबा इकराम है, जहाँ पर ख़ुद हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, वो आप ख़रीदे से है वो, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज भी, आज के डेट में भी आपकी एक होटल है जो 4-स्टार होटल है, मस्जिद नबवी के बहुत करीब में है वो, 500 मीटर की दूरी पे है वो होटल, का नाम वक्फ है, उस्मान बिन अफ़ान होटल नाम से है वो। तो जितना भी उसके जो भी रेवेन्यू जो भी आता है, वो मस्जिद नबवी के खर्चात में उसको यूज़ करते हैं वो। और आज भी कई खर्चे म्यूनसिपालिटी के जो म्यूनसिपल जो होते हैं, वो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जो प्रॉपर्टीज़ है उनसे जो निकलता है, जो भी एक्सपेंसेस जो भी होता है, जो प्रॉफिट होता है, वो मस्जिद नबवी में इस्तेमाल करते हैं आज भी। अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आपको लखब दिया गनी का, वो गनी आज तक भी आप गनी है, सुभान अल्लाह। फिर आगे क्या हुआ, एक जब सहाबे इकराम जो है हिजरत किए मक्के से मदीना आए, तो काफ़ी पानी की प्रॉब्लम हो रही थी। तो एक कुआं था, काफ़ी कुएं थे मगर वहाँ पर थोड़ा पानी अच्छा नहीं था। तो एक कुआं था जहाँ पर मीठा पानी आता था, और वो मीठा पानी का जो ओनर था उन्हें ईसाई था। तो वो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाहिश जाहिर की कि काश ये कुएं को कोई ख़रीद ले, तो ताकि मुसलमानों को आरामी हो, तो ताकि सब लोग जो है अच्छा पानी पी सकें। जैसा आप ये ख्वाहिश जाहिर की और आपने सुना, फौरी आप पहुँचे, कौन, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो ईसाई से बात किया आपने और ख़रीदने की बात की। तो वो कहता है कि नहीं, मैं इसको बेचूंगा नहीं, क्योंकि उसको मालूम था कि ये एक ही मीठे पानी का जो है कुआं है, बाकी के सब वो है। तो नहीं, मैं इसको नहीं बेचूंगा। तो वो इरशाद, वो फिर बातचीत होती है, ट्रांजेक्शन होता है, फिर आगे जाके एक अंडरस्टैंडिंग में आते हैं कि ये काम करते हैं, मैं तुम्हारे को 12,000 दिनार देता हूँ, तुम एक दिन तुम पानी इस्तेमाल करो, एक दिन मैं पानी इस्तेमाल करता हूँ। 12,000 में बात तय हो गई, तो ठीक है बोल के फिर 12,000 आप दे दिए। फिर एक दिन वो ईसाई का दिन होता था, फिर एक दिन जो है मुसलमानों का दिन होता था पानी भर के और पानी पीने का। तो जिस दिन ईसाई का दिन होता था, तो कोई मुसलमान ही नहीं जाते थे वहाँ पर पानी भरने के लिए, तो सब लोग जो है सेकेंड डे के लिए वेट करते थे,
जब मुसलमानों का दिन आएगा तो तब जाके पूरे पानी भर के पिएंगे। तो जब जब मुसलमानों का दूसरा दिन आता था तो पूरे लोग जाकर पानी वानी भर के दूसरे दिन का भी पानी ले लेके आ जाते थे। तो दूसरे जब ईसाई का दिन आता था तो कोई भी नहीं आते थे पानी पीने के लिए। तो वो देखा देखा देखा, अरे ये तो मतलब नुकसान हो गया। तो फिर आप बोला कि तुम ये कुआं खरीद लो। फिर आपको वो ईसाई फरमाता है कि दूसरे दिन ही पूरे लोग आके पानी पी रहे हैं, तुम्हारे दिन जो है, मेरा वाला दिन जो है उसमें कोई आ ही नहीं रहा है। तो ठीक है, तुम कितने में बेचते? फिर बोल के भाई, तो आप कई थोड़े रिवायत में आता है कि 800 दिनार में आप खरीदे, थोड़े रिवायत में आता है कि 1200 या 1500 में ऐसा कुछ आप खरीदे बोल के। तो उसके बाद जो है वो कुआं मुसलमानों की मिल्कियत में आ गया। फिर आज भी वो कुआं मौजूद है और आज भी वो खरीफ आसपास जितने भी खजूर के बागात है वहाँ पर वो कुएँ से पानी भी पहुँच रहा है। सुभान अल्लाह। तो देखिए आप, अल्लाह ताला ने आपको ये, और आपको 18 जुलहज को आपकी शहादत हुई, कुरान की तिलावत कर रहे थे आप, कुरान की तिलावत करते हुए आपकी शहादत हुई। तो आज और वो कुरान, आपकी जो कुरान पढ़ रहे थे, तिलावत कर रहे थे, उसके ऊपर आपके कुछ खून के छींटे भी गिरे वो शहादत के वक्त। तो आज भी वो कुरान मौजूद है, सुभान अल्लाह। आज भी वो कुरान जो है गनी के मुकाम पर, अल्लाह ताला उनको आज भी महफूज करके रखे, सुभान अल्लाह। तो इंशाल्लाह इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, जो कहा गया सुना गया उसमें अमल की तौफीक अता फरमाए, उसमें जो गलतियाँ हों, जो कोताहें हों मौला उसको माफ़ कर दीजिए मौला, इसको कबूल फरमा लीजिए मौला। वास्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इन्नल्लाहा व मलाइकातहु युसल्लून अला नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लमू तस्लीमा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम, रहमतुक रब्बिल आलमीन।